सिंधु सुतामा विष्णु प्रिया महालक्ष्मी मैया की। भक्तजनों आप सभी को धन धान यश सुख वैभव इत्यादि देने वाली मैया हैं मैया महालक्ष्मी। कहते हैं इनका पूजन आराधन करने वाला प्राणी जीवन में कभी दारिद्र्य को प्राप्त नहीं करता। वेद पुराणों में तो माता महालक्ष्मी के प्राकट्य की अनेक अनेक गाथाएं हैं, परंतु आज मैं आपको मैया महालक्ष्मी के 8 अवतारों की पवित्र संगीतमय गाथा सुनाने जा रहा हूँ। कथा श्रवण से पहले जान लीजिए भक्तों, माता के हर स्वरूप की महिमा अपरंपार है तथा समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। तो आइए सुनते हैं मैया महालक्ष्मी के 8 अवतारों की पावन गाथा। बोलिए महालक्ष्मी मैया की। जय महालक्ष्मी बोल रे, वाणी में अमृत खोल रे, बंद तेरी किस्मत के ताले मैया देंगी खोल रे। महालक्ष्म्यै नमो नमः, विष्णुप्रियायै नमो नमः, धनप्रदायै नमो नमः, सिन्धुसुतायै नमो नमः। महालक्ष्म्यै नमो नमः, विष्णुप्रियायै नमो नमः, धनप्रदायै नमो नमः, सिन्धुसुतायै नमो नमः। भक्तजनों मैया लक्ष्मी का पहला अवतार है आदि लक्ष्मी का, जिन्हें भक्त महालक्ष्मी के नाम से भी पूछते हैं। महालक्ष्मी का यह स्वरूप भृगु ऋषि की कन्या के रूप में है। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार माँ के इसी स्वरूप से त्रिदेवों का सृजन हुआ था और महाकाली और महासरस्वती ने भी सृष्टि में इसी रूप से आकार प्राप्त किया था। आदि लक्ष्मी मैया जीव जंतुओं में जीवन और प्राणियों में मोक्ष प्रदान करने वाली है। तो बोलिए आदि लक्ष्मी मैया की। भक्तजनों माँ लक्ष्मी का दूजा स्वरूप धन लक्ष्मी का है। नाम से ही जग जाहिर है भक्तों, माँ का यह स्वरूप प्राणियों को धन धान सुख यश और वैभव प्रदान करने वाला है। माँ के इसी स्वरूप ने विष्णु जी का कर्ज कुबेर से चुकाया था। भक्तों माँ के एक हाथ में कमल पुष्प और दूजे हाथ में धन से भरा हुआ कलश है। तो माँ के इस स्वरूप को पूजने वाले जीवन में कभी ऋणी नहीं रहते। तो बोलिए धन लक्ष्मी मैया की। भृगु ऋषि की कन्या बनकर आदि लक्ष्मी माँ आई, तीनों देव को मैया ही तो अपने रूप से उपजाई। धन लक्ष्मी रूप में विष्णु जी का कर्ज चुकाया था, धन से भरे कलश से भक्तों धन धान तो लुटाया था। जय महालक्ष्मी बोल रे, वाणी में अमृत घोल रे, बंद तेरी किस्मत के ताले मैया देंगी खोल रे। भक्तों महालक्ष्मी माँ का तीजा स्वरूप धान लक्ष्मी अर्थात अनाज लक्ष्मी है। अन्नपूर्णा स्वरूपा माता धान्य लक्ष्मी अपने भक्तों को अनाज प्रदान करती है। यदि धान्य लक्ष्मी माँ को प्रसन्न करना हो तो भोजन का अनादर कदापि नहीं करना चाहिए। जिन घरों में अनाज का निरादर नहीं होता वहाँ धान्य लक्ष्मी मैया सदा अपना वास करती है। तो बोलिए धान लक्ष्मी मैया की। भक्तों माँ का चौथा स्वरूप गज लक्ष्मी का है। माँ का यह स्वरूप कमल पुष्प पर विराजमान है तथा दो हाथी माँ का आवाहन सदैव करते रहते हैं। माँ का यह स्वरूप कृषि और उर्वरता प्रदान करता है।
माँ के इसी स्वरूप के कारण इंद्र ने अपने खोए हुए राज्य को वापस प्राप्त किया था। अतः भक्त लोग इन्हें राज लक्ष्मी के नाम से भी पूजते हैं। इनका पूजन करने से कृषि क्षेत्र में उन्नति और संतान प्राप्त होती है। तो बोलिए राज लक्ष्मी मैया की। धन्य लक्ष्मी मैया भक्तों अन्न के भंडार भरे, अन्नपूर्णा मैया की मिल करके सब जयकार करें। कृषि और उर्वरता देता गज लक्ष्मी का रूप है, राजयोग भक्तों को देता राज लक्ष्मी रूप है। जय महालक्ष्मी बोल दे, वाणी में अमृत घोल दे, बंद तेरी किस्मत के ताले मैया देंगी खोल रे। माता महालक्ष्मी का पंचम स्वरूप है संतान लक्ष्मी का। इनका आराधन करने वाली बांझ स्त्रियां भी संतान का सुख प्राप्त करती हैं भक्तों। और जिन स्त्रियों के पहले से ही बालक हैं, वो अपनी संतानों की लंबी आयु के लिए माँ के इस स्वरूप का पूजन करती हैं। माँ के स्वरूप से उनकी संतानों को अभय वरदान प्राप्त होता है। तो बोलिए संतान लक्ष्मी मैया की। भक्तजनों, माँ का छठा स्वरूप वीरा लक्ष्मी का है। माँ का यह स्वरूप भक्तों को युद्ध में विजय प्राप्त करवाता है। माँ की आठ भुजाएं हैं, जिनमें माँ तलवार, त्रिशूल, धनुष, बाण आदि जैसे अमोघ अस्त्र शस्त्र धारण करती है। माँ वीरा लक्ष्मी के आराधन से प्राणियों को सौभाग्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो बोलिए वीरा लक्ष्मी मैया की। संतान लक्ष्मी मैया तो बांजन को संतान दे, लंबी उम्र का उन बच्चों को मैया जी वरदान दे। अष्टभुजाधारी मैया का वीर लक्ष्मी रूप है, युद्ध में तो विजय दिलवाए मैया का स्वरूप है। जय महालक्ष्मी बोल रे, वाणी में अमृत घोल रे, बंद तेरी किस्मत के ताले मैया देंगी खोल रे। भक्तजनों, माँ का सप्तम स्वरूप विजया लक्ष्मी अथवा जया लक्ष्मी भी कहाया जाता है। इस स्वरूप का आराधन करने से प्राणियों के जीवन के हर मोड़ पर उन्हें विजय प्राप्त होती है। माँ का ध्यान जो भी लगाता है जीवन में सदा सुख पाता है। माँ अष्टभुजाधारी कमल पुष्प पर विराजमान है। तो अष्टभुजी माँ विजया लक्ष्मी की जय जयकार करते हुए बोलिए, बोलिए अष्टभुजी माँ विजया लक्ष्मी की। माँ का अष्टम स्वरूप विद्या लक्ष्मी का है भक्तों। नाम से ही जाहिर है माँ का यह स्वरूप प्राणियों में विद्या और ज्ञान का सृजन करता है। माँ के आराधन से सभी भक्तों को शिक्षा प्राप्त होती है और प्राणी अपने जीवन में शिक्षा के सहारे अनेक अनेक उन्नतियों को प्राप्त करता है। तो बोलिए शिक्षा लक्ष्मी की। विजया लक्ष्मी मैया भक्तों जीत सभी को देती है, हार के संकट को मैया जी एक पल में हर लेती है। विद्या लक्ष्मी मैया सबको बुद्धि ज्ञान प्रदान करे, ज्ञान और विज्ञान की शिक्षा भक्तों को वो दान करे। जय महालक्ष्मी बोल रे, वाणी में अमृत घोल रे,
बंद तेरी किस्मत के ताले मैया देंगी खोल रे। ओम महालक्ष्मी नमो नमः, विष्णु प्रियाय नमो नमः, धन प्रियाय नमो नमः, सिंधु सुताय नमो नमः। भक्त जनों, माँ लक्ष्मी के ये आठ स्वरूप आपको धन संपत्ति वैभव यश और कीर्ति प्रदान करने वाले हैं। तो आइए सच्चे हृदय और सच्चे भाव से क्षीर सागर में विद्यमान माँ विष्णु प्रिया महालक्ष्मी के इन स्वरूपों का आराधन कीजिए और जीवन में सदैव सुख प्राप्त कीजिए। महालक्ष्मी के इन आठ रूपों का आराधन करने वाला भौतिक जीवन में समस्त सुख भोग कर अंत में वैकुंठ लोक को प्राप्त करता है। तो बोलिए अष्ट लक्ष्मी मैया की। जिसने लक्ष्मी माँ को ध्याया जीवन में सुख पाया है, धन धान भंडारे भरती महालक्ष्मी महामाया है। कमल का पुष्प चढ़ाओ भक्तों, मैया का गुणगान करो, चंदन तिलक लगा मैया को लक्ष्मी का आह्वान करो। जय महालक्ष्मी बोल रे, वाणी में अमृत घोल रे, बंद तेरी किस्मत के ताले मैया देंगी खोल रे। ओम महालक्ष्मी नमो नमः, विष्णु प्रियाय नमो नमः, धन प्रियाय नमो नमः, सिंधु सुताय नमो नमः। तुमको सुनाते हैं माँ लक्ष्मी की गाथा, तुमको सुनाते हैं। क्यों लक्ष्मी के संग गणेश पूजे जाते हैं, क्यों लक्ष्मी के संग गणेश पूजे जाते हैं। माँ लक्ष्मी की गाथा तुमको सुनाते हैं, माँ लक्ष्मी की गाथा तुमको सुनाते हैं। क्यों लक्ष्मी के संग गणेश पूजे जाते हैं, लक्ष्मी के संग गणेश पूजे जाते हैं। जय जय माँ लक्ष्मी माँ, जय जय माँ लक्ष्मी माँ, जय जय माँ लक्ष्मी माँ, जय जय माँ लक्ष्मी माँ। किसी नगर में एक साहूकार था रहता, पुत्री के साथ मैया की भक्ति था वो करता। कन्या तो रोज नियम से मंदिर में थी जाती, पीपल की जड़ में रोज गंगा जल वो चढ़ाती। पीपल की जड़ में लक्ष्मी निवास थी करती, कन्या जो जल चढ़ाती माँ स्नान थी करती। आगे हुआ क्या भक्तों ये तुमको बताते हैं, आगे हुआ क्या भक्तों ये तुमको बताते हैं। क्यों लक्ष्मी के संग गणेश पूजे जाते हैं, क्यों लक्ष्मी के संग गणेश पूजे जाते हैं। जय जय माँ लक्ष्मी माँ, जय जय माँ लक्ष्मी माँ, जय जय माँ लक्ष्मी माँ, जय जय माँ लक्ष्मी माँ। एक दिन प्रसन्न हुई थी माँ दर्श दिखाया, कन्या हुई हैरान उसको पास बुलाया।
माँ बोली तेरी पूजा स्वीकार है मुझे, तेरी भक्ति श्रद्धा से बड़ा प्यार है मुझे। मैं चाहती हूँ तू सखी बन जाए जो मेरी, मैं तो हर एक इच्छा पूरी कर दूंगी तेरी। कन्या कहे कि हम पिता से पूछ आते हैं, कन्या कहे कि हम पिता से पूछ आते हैं, क्यों लक्ष्मी के संग गणेश पूजे जाते हैं, क्यों लक्ष्मी के संग गणेश पूजे जाते हैं। जय जय माँ लक्ष्मी माँ, जय जय माँ लक्ष्मी माँ, जय जय माँ लक्ष्मी माँ, जय जय माँ लक्ष्मी माँ। जैसे ही मन की बात पिता से बताई थी, सुनकर पिता ने भक्तों हैरत जताई थी। मैया के तुम प्रस्ताव को स्वीकार तो करना, मैया की कृपा से भव से पार उतरना। कन्या वो भागी भागी भक्त मंदिर आई, मैया के फिर प्रस्ताव को स्वीकार कराई। मैया कहे चलो सखी वैकुंठ जाते हैं, मैया कहे चलो सखी वैकुंठ जाते हैं, क्यों लक्ष्मी के संग गणेश पूजे जाते हैं, क्यों लक्ष्मी के संग गणेश पूजे जाते हैं। जय जय माँ लक्ष्मी माँ, जय जय माँ लक्ष्मी माँ, जय जय माँ लक्ष्मी माँ, जय जय माँ लक्ष्मी माँ। मैया के संग कन्या वो वैकुंठ में आई, देखी जो शान वहां की बुद्धि चकराई। सोने से चांदी से सजे महल थे सारे, सोने और चांदी से बने कपड़े तो थे सारे, सोने के बर्तनों में खाना था परोसा, मैया के साथ मिलके बड़े प्रेम से खाया। उपहार देके कन्या को विदा कराते हैं, उपहार देके कन्या को विदा कराते हैं, क्यों लक्ष्मी के संग गणेश पूजे जाते हैं, क्यों लक्ष्मी के संग गणेश पूजे जाते हैं। जय जय माँ लक्ष्मी माँ, जय जय माँ लक्ष्मी माँ, जय जय माँ लक्ष्मी माँ, जय जय माँ लक्ष्मी माँ। जब जाती थी कन्या तो मैया ने बुलाया, मैं आना चाहती तेरे घर में ये बताया। संकोच में वो कन्या भक्तों चली आई, पूछूंगी मैं पिता से मैया जी को बताई। भारी समन बोले के अपने घर में थी आई, अपने पिता से मन की सारी बात बताई। मैया को बुलाने की वो तरकीब लाते हैं, मैया को बुलाने की वो तरकीब लाते हैं, क्यों लक्ष्मी के संग गणेश पूजे जाते हैं, क्यों लक्ष्मी के संग गणेश पूजे जाते हैं। जय जय माँ लक्ष्मी माँ, जय जय माँ लक्ष्मी माँ, जय जय माँ लक्ष्मी माँ, जय जय माँ लक्ष्मी माँ।
गणपति संग मैया को घर में बुलाना तुम, आंगन को गोबर से तो लीप जाना तुम, फिर चौक में एक चौमुखा दीपक तो जलाना, श्रद्धा से दोनों की तो फिर चौकी को सजाना, जैसा पिता समझाए कन्या करती थी जाती, गणपत को मैया लक्ष्मी के संग बुलाती। पर भोग लगाने को वो पैसा न पाते हैं, पर भोग लगाने को वो पैसा न पाते हैं, क्यों लक्ष्मी के संग गणेश पूजे जाते हैं, क्यों लक्ष्मी के संग गणेश पूजे जाते हैं। जय जय माँ लक्ष्मी माँ, जय जय माँ लक्ष्मी माँ, जय जय माँ लक्ष्मी माँ, जय जय माँ लक्ष्मी माँ। फिर मन की बात जान मान लीला रचाई, एक चील अचानक से भक्तों वहाँ आई, उस चील ने आंगन में था एक हार गिराया, फिर साहूकार उसको हाट बेच के आया, उस पैसे से वो भोग मैया के लिए लाया, गणपत के संग लक्ष्मी ने भोग लगाया। माँ लक्ष्मी गणेश भर पेट खाते हैं, माँ लक्ष्मी गणेश भर पेट खाते हैं, क्यों लक्ष्मी के संग गणेश पूजे जाते हैं, क्यों लक्ष्मी के संग गणेश पूजे जाते हैं। जय जय माँ लक्ष्मी माँ, जय जय माँ लक्ष्मी माँ, जय जय माँ लक्ष्मी माँ, जय जय माँ लक्ष्मी माँ। हुई प्रसन्न माँ लक्ष्मी दोनों को बुलाया, तुमने गणेश संग मुझे घर में जिमाया, अब से प्रथा ये सारा ही जग तो मनाएगा, जो श्री गणेश संग मुझको पूज जाएगा, वो एक साथ दोनों की कृपा को पाएगा, धन दान पाएगा वो भव से पार जाएगा। श्रद्धा से माँ को चंदन तिलक लगाते हैं, श्रद्धा से माँ को चंदन तिलक लगाते हैं, क्यों लक्ष्मी के संग गणेश पूजे जाते हैं, क्यों लक्ष्मी के संग गणेश पूजे जाते हैं। जय जय माँ लक्ष्मी माँ, जय जय माँ लक्ष्मी माँ, जय जय माँ लक्ष्मी माँ, जय जय माँ लक्ष्मी माँ। माँ लक्ष्मी की गाथा तुमको सुनाते हैं, माँ लक्ष्मी की गाथा तुमको सुनाते हैं, क्यों लक्ष्मी के संग गणेश पूजे जाते हैं, क्यों लक्ष्मी के संग गणेश पूजे जाते हैं। जय जय माँ लक्ष्मी माँ, जय जय माँ लक्ष्मी माँ, जय जय माँ लक्ष्मी माँ, जय जय माँ लक्ष्मी माँ। सिंधु सुता माँ विष्णु प्रिया महालक्ष्मी मैया की। भक्तजनों आप सभी को धन धान यश सुख वैभव इत्यादि देने वाली मैया हैं मैया महालक्ष्मी। कहते हैं इनका पूजन आराधन करने वाला प्राणी जीवन में कभी दारिद्र्य को प्राप्त नहीं करता। वेद पुराणों में तो माता महालक्ष्मी के प्राकट्य की अनेक अनेक गाथाएं हैं,
परंतु आज मैं आपको मैया महालक्ष्मी के 8 अवतारों की पवित्र संगीतमय गाथा सुनाने जा रहा हूँ। कथा श्रवण से पहले जान लीजिए भक्तों, माता के हर स्वरूप की महिमा अपरंपार है तथा समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। तो आइए सुनते हैं मैया महालक्ष्मी के 8 अवतारों की पावन गाथा। बोलिए महालक्ष्मी मैया की। जय महालक्ष्मी बोल रे, वाणी में अमृत घोल रे, बंद तेरी किस्मत के ताले मैया देंगी खोल रे। जय महालक्ष्मी बोल रे, वाणी में अमृत घोल रे, बंद तेरी किस्मत के ताले मैया देंगी खोल रे। ओम महालक्ष्मी नमो नमः, विष्णु प्रियाय नमो नमः, धन प्रदाय नमो नमः, सिंधु सुताय नमो नमः। ओम महालक्ष्मी नमो नमः, विष्णु प्रियाय नमो नमः, धन प्रदाय नमो नमः, सिंधु सुताय नमो नमः। भक्तजनों, मैया लक्ष्मी का पहला अवतार है आदि लक्ष्मी का, जिन्हें भक्त महालक्ष्मी के नाम से भी पूछते हैं। महालक्ष्मी का यह स्वरूप भृगु ऋषि की कन्या के रूप में है। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार माँ के इसी स्वरूप से त्रिदेवों का सृजन हुआ था और महाकाली और महासरस्वती ने भी सृष्टि में इसी रूप से आकार प्राप्त किया था। आदि लक्ष्मी मैया जीव जंतुओं में जीवन और प्राणियों में मोक्ष प्रदान करने वाली है। तो बोलिए आदि लक्ष्मी मैया की। भक्तजनों, माँ लक्ष्मी का दूजा स्वरूप धन लक्ष्मी का है। नाम से ही जग जाहिर है भक्तों, माँ का यह स्वरूप प्राणियों को धन धान सुख यश और वैभव प्रदान करने वाला है। माँ के इसी स्वरूप ने विष्णु जी का कर्ज कुबेर से चुकाया था। भक्तों, माँ के एक हाथ में कमल पुष्प और दूजे हाथ में धन से भरा हुआ कलश है। तो माँ के इस स्वरूप को पूजने वाले जीवन में कभी ऋणी नहीं रहते। तो बोलिए धन लक्ष्मी मैया की। भृगु ऋषि की कन्या बनकर आदि लक्ष्मी माँ आई, तीनों देव को मैया ही तो अपने रूप से उपजाई। धन लक्ष्मी रूप में विष्णु जी का कर्ज चुकाया था, धन से भरे कलश से भक्तों धन धान तो लुटाया था। जय महालक्ष्मी बोल रे, वाणी में अमृत घोल रे, बंद तेरी किस्मत के ताले मैया देंगी खोल रे। भक्तों, महालक्ष्मी माँ का तीजा स्वरूप धान लक्ष्मी अर्थात अनाज लक्ष्मी है। अन्नपूर्णा स्वरूपा माता धान्य लक्ष्मी अपने भक्तों को अनाज प्रदान करती है। यदि धान्य लक्ष्मी माँ को प्रसन्न करना हो तो भोजन का अनादर कदापि नहीं करना चाहिए। जिन घरों में अनाज का निरादर नहीं होता वहाँ धान्य लक्ष्मी मैया सदा अपना वास करती है। तो बोलिए धान लक्ष्मी मैया की। भक्तों, माँ का चौथा स्वरूप गज लक्ष्मी का है। माँ का यह स्वरूप कमल पुष्प पर विराजमान है तथा दो हाथी माँ का आवाहन सदैव करते रहते हैं। माँ का यह स्वरूप कृषि और उर्वरता प्रदान करता है। माँ के इसी स्वरूप के कारण इंद्र ने अपने खोए हुए राज्य को वापस प्राप्त किया था। अतः भक्त लोग इन्हें राज लक्ष्मी के नाम से भी पूछते हैं। इनका पूजन करने से कृषि क्षेत्र में उन्नति और संतान प्राप्त होती है। तो बोलिए राजलक्ष्मी मैया की। धन
धन्य लक्ष्मी मैया भक्तों अन्न के भंडार भरे, अन्नपूर्णा मैया की मिल करके सब जयकार करें। कृषि और उर्वरता देता गज लक्ष्मी का रूप है, राजयोग भक्तों को देता राज लक्ष्मी रूप है। जय महालक्ष्मी बोल दे वाणी में अमृत खोल रे, बंद तेरी किस्मत के ताले मैया देंगी खोल रे। माता महालक्ष्मी का पंचम स्वरूप है संतान लक्ष्मी का, इनका आराधन करने वाली बांझ स्त्रियां भी संतान का सुख प्राप्त करती हैं भक्तों, और जिन स्त्रियों के पहले से ही बालक हैं वो अपनी संतानों की लंबी आयु के लिए माँ के इस स्वरूप का पूजन करती हैं। माँ के स्वरूप से उनकी संतानों को अभय वरदान प्राप्त होता है। तो बोलिए संतान लक्ष्मी मैया की। भक्तजनों, माँ का छठा स्वरूप वीरा लक्ष्मी का है। माँ का यह स्वरूप भक्तों को युद्ध में विजय प्राप्त करवाता है। माँ की आठ भुजाएं हैं जिनमें माँ तलवार त्रिशूल धनुष बाण आदि जैसे अमोघ अस्त्र शस्त्र धारण करती है। माँ वीरा लक्ष्मी के आराधन से प्राणियों को सौभाग्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो बोलिए वीरा लक्ष्मी मैया की। संतान लक्ष्मी मैया तो बांजन को संतान दे, लंबी उम्र का उन बच्चों को मैया जी वरदान दे। अष्टभुजाधारी मैया का वीर लक्ष्मी रूप है, युद्ध में तो विजय दिलवाए मैया का स्वरूप है। जय महालक्ष्मी बोल रे वाणी में अमृत घोल रे, बंद तेरी किस्मत के ताले मैया देंगी खोल रे। भक्तजनों, माँ का सप्तम स्वरूप विजया लक्ष्मी अथवा जया लक्ष्मी भी कहाया जाता है। इस स्वरूप का आराधन करने से प्राणियों के जीवन के हर मोड़ पर उन्हें विजय प्राप्त होती है। माँ का ध्यान जो भी लगाता है जीवन में सदा सुख पाता है। माँ अष्टभुजाधारी कमल पुष्प पर विराजमान है, तो अष्टभुजी माँ विजया लक्ष्मी की जय जयकार करते हुए बोलिए, बोलिए अष्टभुजी माँ विजया लक्ष्मी की। माँ का अष्टम स्वरूप विद्या लक्ष्मी का है भक्तों, नाम से ही जाहिर है माँ का यह स्वरूप प्राणियों में विद्या और ज्ञान का सृजन करता है। माँ के आराधन से सभी भक्तों को शिक्षा प्राप्त होती है और प्राणी अपने जीवन में शिक्षा के सहारे अनेक अनेक उन्नतियों को प्राप्त करता है। तो बोलिए शिक्षा लक्ष्मी की। विजया लक्ष्मी मैया भक्तों जीत सभी को देती है, हार के संकट को मैया जी एक पल में हर लेती है। विद्या लक्ष्मी मैया सबको बुद्धि ज्ञान प्रदान करे, ज्ञान और विज्ञान की शिक्षा भक्तों को वो दान करे। जय महालक्ष्मी बोल रे वाणी में अमृत घोल रे, बंद तेरी किस्मत के ताले मैया देंगी खोल रे। भक्तजनों, माँ लक्ष्मी के ये आठ स्वरूप आपको धन संपत्ति वैभव
यश और कीर्ति प्रदान करने वाले हैं। तो आइए सच्चे हृदय और सच्चे भाव से क्षीर सागर में विद्यमान माँ विष्णु प्रिया महालक्ष्मी के इन स्वरूपों का आराधन कीजिए और जीवन में सदैव सुख प्राप्त कीजिए। महालक्ष्मी के इन आठ रूपों का आराधन करने वाला भौतिक जीवन में समस्त सुख भोगकर अंत में वैकुंठ लोक को प्राप्त करता है। तो बोलिए अष्ट लक्ष्मी मैया की। जिसने लक्ष्मी माँ को ध्याया जीवन में सुख पाया है, धन धान भंडारे भरती महालक्ष्मी महामाया है। कमल का पुष्प चढ़ाओ भक्तों मैया का गुणगान करो, चंदन तिलक लगा मैया को लक्ष्मी का आह्वान करो। जय महालक्ष्मी बोल रे वाणी में अमृत घोल रे, बंद तेरी किस्मत के ताले मैया देंगी खोल रे। देवा स्वामी जय गणपत देवा, माता पार्वती तुम्हारी, माता पार्वती तुम्हारी और पिता महादेवा। एक दंत दयावंता चार भुजाधारी, प्रभु चार भुजाधारी, माते सिंदूर सुहावत, माते सिंदूर सुहावत मूसा असबारी। जय गणपति देवा। चढ़े देवा तुमको फूल चढ़े न्यारे, देवा फूल चढ़े न्यारे, लड्डूवन मोदक तुमको, लड्डूवन मोदक तुमको भोग लगे न्यारे। अंधों को आंखें देते कोढ़िन को काया, प्रभु कोढ़िन को काया, बांझन पुत्र है पाती, बांझन पुत्र है पाती निर्धन को माया। स्वर्ण मुकुट है माथे पीतांबर धारा, देवा पीतांबर धारा, रूप चतुर भुज शोभा, रूप चतुर भुज शोभा देता है न्यारा।
वक्रतुंड महाकाया गजमुख रूप धरे, देवा गजमुख रूप धरे। जो शरणागत आया, जो शरणागत आया, भव से पार करे। देवी देवता सारे तब जयकार करे, प्रभु तब जयकार करे। रिद्धि सिद्धि तुम्हें देवा, रिद्धि सिद्धि तुम्हें देवा, नित नित चवर ढुरे। गजाननन जी की आरती जो कोई जन गावे, देवा प्रेम सहित गावे। चंदन तिलक लगावे, चंदन तिलक लगावे, इच्छित फल पावे। लक्ष्मी माता तुमको निस दिन ध्यावत, मैया जी को निस दिन ध्यावत, हर विष्णु विधाता। उमा रमा ब्रह्माणी तुम ही जग माता, मैया तुम ही जग माता। सूर्य चंद्रमा द्यावत, सूर्य चंद्रमा द्यावत, नारद ऋषि गाता। दुर्गा रूप निरंजन सुख संपत्ति दाता, मैया सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्यावत, जो कोई तुमको ध्यावत, रिद्धि सिद्धि धन पाता। पाताल निवासिनी तुम ही शुभ दाता, मैया तुम ही शुभ दाता। कर्म प्रभाव प्रकाशिनी, कर्म प्रभाव प्रकाशिनी, भव निधि की दाता।
जिस घर में तुम रहती सब सदगुण आता, मैया सब सदगुण आता, सब संभव हो जाता, सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता। तुम बिन यज्ञ न होते वस्त्र न कोई पाता, मैया वस्त्र न कोई पाता, खान पान का वैभव, खान पान का वैभव सब तुमसे आता, शुभ गुण मंदिर सुंदर शिरोदधि पाता, मैया शिरोदधि पाता, रत्न चतुर्दश तुम बिन, रत्न चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता, लक्ष्मी जी की आरती जो कोई जन गाता, मैया प्रेम सहित गाता, पुर आनंद समाता, पुर आनंद समाता, पाप उतर जाता, जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निस दिन ध्यावत, मैया जी को निस दिन ध्यावत, हर विष्णु विधाता।